हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपसे बात करते हैं प्लांट सेल स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन पहले हम इसके कुछ ऑर्गन्स के बारे में जान लेते हैं। प्लांट सेल में नॉन लिविंग सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं, मेड अप ऑफ सेलुलोज, जो कि सेलुलोज से बनी होती हैं। प्लांट सेल आर लार्जर इन साइज, प्लांट सेल आकार में बड़ा होता है। प्लास्टिड आर प्रेजेंट, इसमें प्लास्टिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वैक्यूल्स आर वन और टू लार्जर इन साइज, इसमें दो बड़े वैक्यूल्स होते हैं, वो एक या दो हो सकते हैं, जो कि आकार में बड़े होते हैं। सेंट्रोसोम अब्सेंट, इसमें सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है, एक्सेप्ट ए फ्यू एल्गी एंड फंजाई, जो कि कुछ एल्गी एंड फंजाई को एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, बात करते हैं हम लोग प्लांट सेल के ऑर्गन्स के बारे में। तो सारे ऑर्गन्स के नाम जान जाते हैं कि जान लेते हैं कौन से ऑर्गन्स के क्या नाम हैं। ये है माइक्रोट्यूब्यूल, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देती हूँ। ये रहा माइक्रोट्यूब्यूल, और ये है स्फेरोसोम, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स के जो लाइन आपको दिख रही हैं ये टोनोप्लास्ट हैं, इसे ब्रैकेट में वैक्यूलर मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। और ये जो वैक्यूल्स का निचला हिस्सा है, इसे सेल यहाँ पे सेल सैप होता है। और ये ऑरेंज कलर की स्पॉटिंग टाइप के आपको दिख रही हैं, ये जो सेल प्लांट्स के बीच में जो गैप होती हैं वहाँ पे होते हैं साइटोप्लाज्म। ये राइबोसोम्स पर्पल कलर का बना हुआ है, इधर जूम करके दिखा देती हूँ। ये या इधर बना, इधर इधर और ये इधर है, ये पूरे में होते हैं राइबोसोम्स। और कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियस के एकदम जस्ट किनारे आउटर लाइन पे होते हैं, सटे होते हैं। अभी मैं आपको एक जगह और इसका नाम दिखा दूँगी। ये है माइटोकांड्रिया, यहाँ माइटोकांड्रिया तीन बने हुए हैं सेल प्लांट सेल स्ट्रक्चर में, एक इधर है ये और एक इधर साइड है। गोल्जी बॉडी, ये सारे ऑर्गन्स फैले हुए होते हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि ये ऑर्गन्स यहीं पे रहे, कोई भी ऑर्गन्स कहीं भी रह सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल के स्ट्रक्चर जहाँ पे कनेक्टेड लिंक होती हैं इसके बीच की पतले से, वहाँ पे होल होती थोड़ी सी, वहाँ पे प्लाज्मा डेजमा होता है। मिडिल लैमिला, जहाँ पे प्लांट सेल का कनेक्ट होता है और बीच में थोड़ा सा गैप होती है, वहाँ पे मिडिल लैमिला होते, उसे मिडिल लैमिला कहते हैं। और ये जो स्काई ब्लू कलर का मैंने मोटा मोटा बनाया हुआ है, ये है सेलवाल, प्लांट सेल की सेलवाल है। और इसके सेलवाल के जो आउटर लाइन और इनर लाइन है, ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, जूम करके दिखा दे रही हूँ। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पिंक कलर का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इधर है न्यूक्लियर पोर, ये और न्यूक्लियर, ये इधर, ये अंदर वाले हिस्से को न्यूक्लियर बोला जा रहा, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसमें भी देखिए, जैसे मैंने सेल स्ट्रक्चर में, पूरे सेल स्ट्रक्चर में ये मैंने ऑरेंज कलर की साइटोप्लाज्म दिखाई थी, उसी तरह ये इसमें स्काई ब्लू कलर की न्यूक्लियोप्लाज्म बना हुआ। और ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये वो यूक्रोमैटिन, ये जो मुड़ी हुई है यूक्रोमैटिन है, और हेटरोक्रोमैटिन, ये दो होते हैं इसलिए इसे हेटरोक्रोमैटिन कहते हैं। ये न्यूक्लियोलस है, ये जूम करके दिखा दे रही हूँ, इसमें दो हैं, दो गोले गोले से दिखाई दे रहे हैं, इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और ये हेलोप्लाज्म, प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बीच में, साइटोप्लाज्म के भी बीच में जो गैप होता है वहाँ पे हेलोप्लाज्म होता है, उसे हेलोप्लाज्म कहते हैं। राइबोसोम मैंने अभी आपको इधर भी बताया था कि मैंने पर्पल कलर का राइबोसोम बनाया है, और कुछ राइबोसोम्स न्यूक्लियस के जस्ट किनारे होते हैं, ये यहाँ पे पिंक कलर का बना हुआ है, ये बिंदी बिंदी सा स्पॉटिंग टाइप का है, इसे राइबोसोम बोलते हैं। और ये है क्लोरोप्लास्ट, वन टू और एक इधर है, रेड कलर का बना दिया मैंने, ये तीन है क्लोरोप्लास्ट। और फ्रेंड्स, ये न्यूक्लियस के अंदर जितने हैं ऑर्गन्स, ये सब के मैंने नाम आपको इधर बता दिया था, और ये पूरा न्यूक्लियस है। तो ठीक है गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रही हूँ, दो मिनट ऐसे रोक दे रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइज, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनिमल सेल के बारे में। थैंक यू गाइज़।